सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस में बड़ा फैसला सुनाया गया है। T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया में कौन कौन शामिल हुआ है, ये सारी खबरें हैं, पांच इंपॉर्टेंट खबरें जो आपको जान लेनी चाहिए। बने रहिएगा आप हमारे साथ, चलिए शुरू करते हैं। तो ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस में सोमवार को वाराणसी की जिला अदालत का फैसला आ गया। वहीं ICC T20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान भी कर दिया गया। खाने पीने की चीजों की महंगाई एक बार फिर बढ़ गई है। आज की ये पूरी खबर है जो आपको जान लेनी चाहिए। सबसे पहले आप जान लीजिए कि ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने सुनने लायक माना है केस को और मुस्लिम पक्ष की अर्जी हुई है खारिज। ज्ञान वापी किसकी है, सवाल का जवाब तय करने के लिए कोर्ट ने ज्ञान वापी श्रृंगार गौरी केस पर सुनवाई का रास्ता कम से कम वाराणसी जिला अदालत से आज तय हो गया है। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने दायर वाद की सुनवाई में हक में अपना फैसला सुनाया। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। कोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए कहा कि मुकदमा न्यायालय में चलने योग्य है। वही T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हुआ है। बुमराह और हर्षल की वापसी हुई है। लगभग वही टीम है जो एशिया कप में थी, लेकिन इसमें दो बदलाव किए गए हैं। बुमराह और हर्षल को इसमें शामिल किया गया है। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ऐलान जो हुआ है, तो आपको बता दें सोमवार 12 सितंबर को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने इस मेगा इवेंट के लिए टीम इंडिया की घोषणा की। चयन समिति की बैठक सोमवार को दोपहर को हुई, जिसमें 15 सदस्यीय टीम का चयन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाले मल्टीनेशनल टूर्नामेंट टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और उप कप्तान KL राहुल होंगे। वहीं पर खाने पीने की चीजों में बढ़ी है महंगाई। अगस्त में 7% पहुंच गया आंकड़ा। आम आदमी को महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। अगस्त में महंगाई की दर में बढ़ोतरी हुई है। भारत की रिटेल मुद्रा स्फीति अगस्त में 7% तक पहुंच गई है, जो जुलाई में 6.71% थी। वहीं पिछले साल अगस्त में यह 5.3% पर थी। आपको बता दें रिटेल इन्फ्लेशन लगातार 8 महीने से RBI में 6% टारगेट बैंड से ऊपर है। हालांकि यह 5 महीनों में दूसरी बार 7% से कम हो गई है। वही CBI करेगा सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच। गृह मंत्रालय ने दी है मंजूरी। आपको बता दें गोवा में हाई प्रोफाइल सोनाली फोगाट मौत मामले की जांच अब CBI करेगी। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने जांच की सिफारिश कर दी है। इससे पहले गोवा के CM ने भी CBI जांच की बात कही थी। वहीं सोनाली फोगाट का परिवार भी लगातार CBI जांच की मांग कर रहा था। रविवार को हिसार की एक धर्मशाला में इसी मांग को लेकर एक खाप पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें फोगाट की बेटी यशोधरा भी पहुंची थी। तो ये कुछ अपडेट था जो आपके साथ शेयर किया गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। ऐसी ही जानकारी, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहें। मिलते अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।